एक समय की बात है जब मैं अपने दोस्त के साथ हरिद्वार घूमने गया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी नहाने, गंगा स्नान करने। पानी का जो है वो देखो कितना ज्यादा है। अगर हम लोग नहीं नहाएंगे, हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम रेलिंग से पहले ही नहाएंगे। हम हरिद्वार आए तो थे गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हुआ, लो अभी भी देख लो बहुत ज़्यादा है नहाने का, अब बढ़ गया है। यहाँ पे हम लोग इधर नहा रहे थे। विवेक जा, फाइनली फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। और ये रहा विवेक, कैसे हो? हेलो गाइस। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन आउटिंग काफ़ी एक्साइटेड है ना? हाँ, मतलब हम लोग ना बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने वाले हैं, एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो उस वजह से थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है। अब देखते हैं क्या करते हैं। राफ्टिंग वगैरह का भी सोचा है, वैसे पानी वगैरह से डर लगता है, लेकिन देखेंगे वो आगे की बात है। अभी हम लोग फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है 2 बजे से, है ना? तो 2 बजे ट्रेन आने वाली है और उसके बाद हमें हरिद्वार जाना है। हरिद्वार वो सुबह उतार देगी हमें 8:30 के आसपास, 8:20 ऐसे ही। तो अभी चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन के, बाकी फिर बातें बाद में करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड? टू मच वाला TOO, नॉट TO। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टेशन पे सो रहे हैं। हाँ, इतने रात को फरीदाबाद पहली बार आए हैं और रात में तो सीन ऐसा है। तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है। हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। तो अभी कहाँ पहुँची है ट्रेन? ट्रेन कोसी कला क्रॉस कर गई है। पीछे जाना पड़ेगा। पीछे D2 है, D1 है? D2 है ना। तो हम लोग अभी स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, ट्रेन लगभग आने वाली है। पलवल से निकल चुकी है, यहाँ पे फरीदाबाद पहुँचने वाली है। 2:10 कम है, ऑन टाइम है, 2 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद हमें सुबह 8:30 के आसपास वो हरिद्वार जंक्शन में उतार देगी। सर हमारे वेट कर रहे हैं और ये रहा कुछ रेलवे स्टेशन का नज़ारा रात का। सन्नाटा क्यों है भाई? तो ये मेरा बैग है, ये विवेक का। लगेज तो कम ही है वैसे हमारे पास। हाँ, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है। नहीं, सिर्फ अपना ही स्टफ है वैसे भी। तो फाइनली हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, अब इसमें हम लोग को बैठना है। ट्रेन फरीदाबाद से निकल चुकी है। हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, हरिद्वार जंक्शन। ये जिसे हम आए हैं वो है देहरादून एक्सप्रेस। इसकी जो टाइमिंग थी वो यहाँ पे पहुंचाने की थी 8:20, लेकिन ये 20 मिनट लेट थी, तो 8:40 के आसपास इसने पहुँचाया है। 20 मिनट लेट है। और अभी हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी नहाने, गंगा स्नान करने। मात्र 20 रुपये। 20 रुपये? कितनी दूर है यहाँ से? 2.5 किलोमीटर पड़ती है। 2.5 किलोमीटर, चलो
हाँ जी पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को स्नान करना है तो अभी हम लोग नहाएंगे और इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा फ्लो देख रहे कितना ज़्यादा है इसका जो फ्लो है पानी का वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है वहाँ पे जंजीर वगैरह भी है उसको पकड़ के आप नहा सकते हैं क्योंकि तो उधर से बहुत ज़्यादा बहाव है पानी का तो उधर हम लोग नहीं नहाएंगे। हम सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम रेलिंग से पहले ही नहाएंगे ताकि कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा उधर भी हम घूमेंगे उधर देखते हैं वो जो ब्रिज है ना उधर जाना है फिर उसके बाद आएंगे फिर नहाएंगे हम लोग चलें फिर उधर देख के आएँ क्या है फिर आ जाओ। हर की पौड़ी पावन नगरी हरिद्वार का प्रमुख घाट है जिसमें लाखों लोग हर दिन आते हैं। कुछ लोग मुंडन करवाने आते हैं तो कुछ लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। छोटी छोटी दुकान भी हैं आप घर वालों के लिए कुछ सामान भी ले सकते हैं। पानी का फ्लो है वो देखो कितना ज़्यादा है। नहीं अब आपको तो पता लग गया जब हम नहाएंगे ना उस टाइम ज़्यादा फील होगा। इस तरीके के पानी में मैं कभी नहीं नहाया इतने फ्लो वाले पानी में। तो बैग वगैरह हम लोगों ने रख दिया था तो अभी हम लोग नहा भी चुके हैं लेकिन अभी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं अभी और नहाना है। ये देखो यहाँ पे हम लोग इधर नहा रहे थे अभी दोबारा से चलेंगे चले बोलो गंगा मैया के जय। 1 2 3 अरे थोड़ा और ऊपर नीचे जाया मेरा दिख रही हो काफी देर अरे बस कर विवेक जा विजिबिलिटी है इसकी इधर बैठ नीचे पानी में बैठ पानी में आ नीचे 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 ये और नीचे नजारा भाई मैं भैया को कह रहा है बैग देखता रहियो। 1 2 3
यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। बस 10 होगी। हाँ दोनों हाथ से कर दे। फाइनली हम लोग गंगा स्नान कर चुके हैं। अभी बहुत सारी हमने यहाँ पे मस्तियाँ करी, पैर वगैरह एकदम सुन्न पड़ चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या करना है। गंगा जल वगैरह भी ले लिया है, घर वाले कह रहे थे कि गंगा जल ले आना, तो वो भी हमने ले लिया है। और उसके बाद अभी हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, देखते हैं फिर क्या करेंगे। ऋषिकेश चलेंगे, इंजॉय टूट गया। फ्लो अभी भी देख लो बहुत ज़्यादा है आने का, अब बढ़ गया है मौसम। पहले तो धूप थी लेकिन ना पहले अभी धूप थी लेकिन अभी क्या है कि अभी मौसम थोड़ा सा सही सा हो गया है बारिश का। वगैरह कर लिया है, अब हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। जो हमारी फ्रेंडशिप है वो 5 सालों की है, हम स्कूल में मिले थे 11th क्लास में, 11th क्लास से अभी सब लोग साथ में। तो हम लोग का खाना आ चुका है, इसको हम लोग खाते हैं। और हमको ये मिला है कढ़ी है, ये दाल है और एक सब्जी है, चावल अचार और रोटी और हर की पौड़ी का सफ़र यहीं तक है। अब मिलते हैं आपको नए वीडियो में।